देखो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका बस चले तो पूरी YouTube की पूरी इंडस्ट्री उड़ा के रख दे, सबको मार डाले, सबका भविष्य खाक कर दे, सबको मार डाले इसका बस चले तो। और ये मुझे लगता है थैनोस की बेटी है। थैनोस जिस तरह आधी दुनिया को मार देना चाहता था, ये पूरी दुनिया को मार देना चाहती। आज इसने मिस्टर इंडियन हैकर को मार दिया, कल इसने सौरभ जोशी को मार दिया, उससे पहले पता नहीं टेक्निकल गुरु जी, कैरी मिनाटी, आशीष चरानी, पता नहीं किन किन को मार चुकी है ये अभी तक, कितनों की फोटो पे हार चढ़ा चुकी है और थंबनेल ऐसे बना बना के डालती है जैसे वो इंसान सच में मर चुका हो। समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को यूट्यूब बैन क्यों नहीं करता। मैं सच में ये सोच रहा था कि सौरभ जोशी को उसने रोस्ट किया, मैंने सोचा था उस पर बाद में वीडियो बनाएंगे, पर अभी इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि अभी सौरभ जोशी की आपको पता होगा तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैंने इसको छोड़ रखा था कि नहीं चलो छोड़ो इसको, छोड़ो 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 छोड़ो। लेकिन अभी मैं सिर्फ लेटा हुआ था, मैं सो रहा था और मैं मिस्टर इंडियन हैकर का बहुत बड़ा फैन हूँ और आपको जैसे पता ही होगा मिस्टर इंडियन हैकर अजमेर में रहते हैं और मैं भी अजमेर से बिलोंग करता हूँ, तो मैं मेरा भाई उनसे मिला हुआ भी है। मुझे विश्वास नहीं होता कि इसने मिस्टर इंडियन हैकर तो क्यों छोड़ा यार, एक्सपेरिमेंटल चैनल है, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार। आप अभी तक समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नाम है पायल जोन्स। जब अभी मैं जब लेटा हुआ था तब इसका वीडियो देखा मैंने और मेरा दिमाग आउट हो गया इसका वीडियो देखने के बाद में। इसने मिस्टर इंडियन हैकर तक को नहीं छोड़ा, इसने मिस्टर इंडियन हैकर पे वीडियो बना दिया, मिस्टर इंडियन हैकर इज नो मोर, ऐसा हो सकता है क्या यार? अगर ऐसा होता तो सबसे पहले हमको खबर आती यार, हमको पता चलता तू कौन होती है बोलने वाली। और इसने पॉइंट्स का उठाया मेरे को, मैंने वीडियो चलाकर थोड़ा सा देखा उसके ओपन कर दिया, मेरे को ये चीज आपके साथ देखनी थी, इसने पॉइंट्स उठाए क्या है दोस्तों आपका पता नहीं, पर मुझे ये शक्ल जब भी सामने आती ना मेरा दिमाग आउट हो जाता है इसको देख के कि क्या किस घड़ी में इसने यूट्यूब चैनल बनाया था और क्या करना क्या चाहती है ये लड़की। एक बार इसकी थूत तो देखो, थूत देखो इसकी थूत, ये वाली थूत देखो यार, किस मुंह से ये वीडियो बनाती है करके सामने आ रही है जो कि मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। जी इसको खबर देने वाला कौन शख्स है, मैं उसको मिलना चाहता हूँ। साले को गीले रुमाल से पिटाई होगी तेरी, कौन खबर दे रहा है इसको, कौन है इसका संवाददाता रवीश चंद्र जो उसको खबरें दे रहा है लाला के इधर उधर के कोने से। एक तो इसका रिपोर्टर सबसे बड़ा गंजेड़ी है, सस्ते नशे फूक के बैठा हुआ है, नमक सूंघ के बैठा हुआ है वो। ऐसा लगता है कि पहले 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 देख लेते हैं क्या मिस्टर इंडियन हैकर जो कि नहीं मुझे एक चीज मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगी कि गाइस मिस्टर इंडियन हैकर मेरे मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर कहीं ना कहीं थे। मैं वर्तमान में सिर्फ दो यूट्यूब चैनल्स को देखा करती हूँ, सच में आपको बता रही हूँ, एक है क्रेजी एक्स वाई जेड, दूसरे थे मिस्टर इंडियन हैकर, बट अब तो मैं सिर्फ एक ही चैनल देख पा। ये जिस भी रोस्ट करती है उसी को देखती है, जिसको रोस्ट करती है उसी की फैन होती है और थोड़े दिन बाद उसी से ही माफी मांग रही होती है। इसके आप थंबनेल में देखोगे, पहले उसको रोस्ट करेगी या एक्सपोज करेगी, फिर थोड़े दिन बाद उसने मेरे बारे में ट्वीट किया, उसने मेरे बारे में बोला, ओ माय गॉड उन्होंने रिएक्शन दिया, फिर तीसरे चौथे दिन बोलती है मैं उनसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, यही है इसका पूरा कॉन्टेंट, इसी वजह से आप जाके इसके वीडियो मत चलाना, यही चाहती है कि वीडियो पे व्यूज आए, लेकिन इसके थंबनेल्स जरूर देखना। मैं थंबनेल्स की जो कि है क्रेजी एक्स वाई जेड, क्योंकि अब अगर मिस्टर इंडियन हैकर हमारे बीच में है ही नहीं तो वीडियो कहाँ से अपलोड करेंगे। मेरे को नहीं पता उनका चैनल कौन मैनेज करेगा आगे, कौन नहीं मैनेज करेगा, मेरे को कुछ नहीं पता, नहीं मेरे को इस चीज से कोई मतलब है, क्योंकि मैं मिस्टर इंडियन हैकर को चैनल को सिर्फ उनकी वजह से देखती थी, वो जिस तरीके से बोलते थे बहुत ज्यादा उत्साह, और ये लोग क्या बोलते हैं अपनी वीडियो में कि मिस्टर इंडियन हैकर की टीम ने हमें बताया, सस्ते नशे नमक सूंघ लो, मैं इनके लिए बोलना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता, ये लोग बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल फेक वीडियोस बना रहे हैं और मेरे हिसाब से तो ये सरासर गलत है। और जो लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं मैं बोलूंगी प्लीज ऐसी वीडियोस पे भरोसा ना करें, इनको इग्नोर करें, इनके पास कोई सबूत कवा नहीं है तो आप इस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। अरे बोलना क्या चाह रही है, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही मिस्टर इंडियन रह रहे, फिर अब बोल रही है किसी ने मेरे को बोला, फिर बोल रही उन्होंने मेरे को बोला। मुझे लग रहा है इसने ना वैक्सीन लगवाई और इस पर रिएक्शन हो गई, वैक्सीन का इंजेक्शन बोल के घोड़ी का इंजेक्शन लगा दिया है ना। तुम्हें नहीं पता वो स्वस्थ है या नहीं है, उनकी क्या हालात है किसी को भी नहीं पता, अगर वो खुद से कोई स्टोरी डालते या कोई पोस्ट डालते तब हमें पता चलता, तो ये लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं। मैं सिर्फ ना इनका चैनल पूरी तरीके से इग्नोर होना, तो इन्हें इग्नोर करें, इनकी तरफ ध्यान ना। मैं डिस्कवरी चैनल वालों से निवेदन करता हूँ, ऐसी प्रजाति और मादाओं पर नजर रखे जो दूसरों के इलाकों में आने की कोशिश करती है, ये नरभक्षी जानवर कभी भी दिखे तो आप इनसे बहुत कोसों दूर भाग जाइए, इनको देखते ही। मैं निवेदन करता हूँ और डिस्कवरी चैनल से चाहता हूँ कि वो इन पर नजर रखे, ऐसे नरभक्षी जानवरों से जो सबको आए दिन मारते रहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी, तो इससे बढ़िया अपने ऊपर से एक्शन ना हो तो ऐसी वीडियोस बनाए ही मत। क्लिकबेट के लिए चलो भाई ठीक है, बहुत सारे लोग क्लिकबेट के लिए कुछ कुछ कर, इसने अभी क्लिकबेट बोला ठीक है आपके सामने लाइव, अभी
9:30 घड़ी में हो रहा है 9:39 और इसने बोला क्लिकबेट बनाते हैं। तो यहाँ पर नीचे आके देखते हैं, ओ माय गॉड ये कैसा क्लिकबेट है, इसमें तो इसकी शक्ल दिख ही नहीं रही है और यहाँ पे मिस्टर इंडियन दिख रहे हैं, नहीं रहे मिस्टर इंडियन हैकर, रोने वाले इमोजीज, मिस्टर इंडियन हैकर इज नो मोर, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है मिस्टर इंडियन हैकर के लिए ये न्यूज फेक है। तो अब बताइए फेक न्यूज कौन फैला रहा है। तो ये एक रीजन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो अटेंशन के लिए भी ऐसी वीडियो बनाना सरासर गलत है, एक के बाद एक की भाई। तो और आप लोगों को मैं बता सकूं इन्होंने, और तुम क्या कर रही हो, तो मैं से थंबनेल बना के स्टार्टिंग में ये बोल के मिस्टर इंडियन हैकर नहीं कर रहे, क्योंकि इसको पता है, इसको पता है इसकी वीडियो जो है ना वो एक मिनट से ज्यादा कोई देखेगा ही नहीं, और दूसरी बात इसके वीडियो पे लाइक से ज्यादा डिसलाइक आते हैं, 98% डिसलाइक आते हैं इसके वीडियो पे, ठीक है। और दूसरी बात मेरे को कोई बता दो ये कौन सा नशा करती है, मैं उसको 50,000 का इनाम दूंगा एक बार मुझे। जी हाँ, आज के लिए आपका नया सवाल, 50,000 रुपए के लिए, ये कौन सा नशा करती है ये लड़की, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। ऐसी वीडियोस पे भरोसा ना करें, ये जो लोग हैं ये अभी का जो समय चल रहा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइम है, बोलना चाहिए ये ना जंबल ऑफ द वर्ड्स और कंबल ऑफ द वर्ड्स, ये ना पता नहीं कौन सा वर्ड्स वाला गेम खेल रही है, मैं ना बोलना चाह रही हूँ, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना क्या चाह रही है, कभी बोलती है वो नहीं रहे, कभी बोलती रहे और इनको ये उनको वो खुद ही रोस्ट कर रही है, रोस्टरों को बोलती रोस्ट ना करे, समझ में नहीं आता इस लड़की का क्या चक्कर है, क्यों ऐसा कर रही है ये। तो उसके लिए इस टाइम का फायदा उठाते हुए ये लोग इस तरीके के वीडियोस अभी बना रहे हैं, क्योंकि अगर अभी बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग भरोसा कर लेंगे और इनके व्यूज बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो इसके लिए ये लोग ऐसी चीजें करते हैं, इनको इग्नोर करें पूरी तरीके से और भरोसा। मैं इग्नोर नहीं, मैं दिमाग में से ना ऐसी नस निकलवा चुका हूँ ताकि मैं इसको पहचानना बंद कर दूं, मैंने खुद ऑपरेशन करवा के दिमाग में से नस निकलवाई है ताकि मैं इस लड़की को पहचानना बंद कर दूं, और इसके चैनल सब्सक्राइब नहीं, इसके एक एक वीडियो को नॉट इंटरेस्टेड करता हूं मैं ताकि मुझे इसका एक वीडियो नहीं देखे, लेकिन फिर भी आज मिस्टर इंडियन हैकर का वीडियो सर्च करने पर इसका वीडियो आ गया मेरे सामने और मेरी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। अरे यार किस नर्स ने इसके वैक्सीन की जगह घोड़ी का इंजेक्शन लगवा दिया है यार, तुमको शर्म नहीं आती क्या, बिचारी को और पागल कर दिया तुमने, किसने इसकी घोड़ी का इंजेक्शन लगाया ना करे, जब तक मिस्टर इंडियन हैकर की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है। ओके तो हाँ ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, इस वीडियो नीचे बोर्ड पे क्या नहीं रहे मिस्टर इंडियन हैकर कोरोना पॉजिटिव थे, इसने लिख क्या रखा है, खुद ही बोलती है ये लड़की जो है ना, मेरे शब्द ही कम बढ़ गए इसको बोलने के लिए, बुरी थूत की प्राणी, मैं आप ईयरफोन निकाल दे, ये बुरी थूत की प्राणी है, बुरी थूत की प्राणी, आराम से सो रहा था मैं, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया बहुत ही ज्यादा, मेरे जितने भी फेवरेट्स हैं उन सब के बारे में बसड़ फैला रखी है इसने, ठीक है। और मैं नहीं सोचता हाँ चलो इनको तो छोड़ा उसी पर ही वीडियो बनाती जा रही है, और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मिस्टर इंडियन हैकर को भी नहीं छोड़ेगी, उस पर भी वीडियो बना देगी। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो सबसे सही तरीका बता दूं, इसके वीडियो पे मत जाइए, ठीक है, इसके यही चाहती है इसका वीडियो देखें और वीडियो पे व्यूज बढ़े, आप सीधा इसकी पोस्ट पे जाइए और पोस्ट पे रिपोर्ट कीजिए अगर आपको करना है तो। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे की रिपोर्ट करो, अगर आपको करना है तो रिपोर्ट करो, मैं तो करूंगा इसकी पोस्ट पे रिपोर्ट क्योंकि ये बहुत गलत कर रही है, और उसने जिस लड़की का नाम लिया उसके पे भी करूंगा, ऐसी बात नहीं, इसकी पे भी करूंगा उसके पे भी करूंगा, क्योंकि अगर इसको सही सलाह देनी होती, सही बात बतानी होती तो ये इस टाइप से नहीं करती, मिस्टर इंडियन हैकर इज नो मोर, सबको मार देती है, थैनोस की बेटी है, किसी को भी छोड़ने वाली सारी दुनिया की मुट्ठी में, ये प्रकृति की जनदाता है, नरबक्सी माता है, कैसे वीडियो बना लेते हैं ऐसे, इनको 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 लगता भी नहीं इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है यार, बोल भी नहीं रहा है मिस्टर इंडियन हैकर, मिस्टर इंडियन, अब यार कोई वीडियो देखे तो वो तो ये समझे यार कि यार हो गया कांड हो गया, तो शर्म भी नहीं आती है, कहां से आते हैं ये लोग, कौन बनाता है इन्हें, भगवान ने इसको बनाने के बाद साचा है ना साचा यूं फेंक दे, यूं करके यूं कहीं मत देखना, अब नहीं बननी चाहिए ऐसी लड़की, इसको ऐसे फेंक दिया इसका साचा बनाने के बाद, और ओ हो ये क्या बन गया, अब तो पछताएंगे ये लोग धरतीवासी, और अगर YouTube पे इसने अकाउंट बना लिया तो सबको मार डालेंगे, काश ये TikTok पे होती तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगता कि हाँ भाई TikTok के लोगों को मार दी, मादा अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके आप ऐसा वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, कल को आपने हमें मार दिया तो हमारा क्या होगा, हम तो सऊदी अरब भी नहीं जा सकते। तो देखिए सौरभ जोशी को भी इसने रोस्ट किया है और मिस्टर इंडियन हैकर को भी रोस्ट किया है, मिस्टर इंडियन हैकर को कुछ भी नहीं हुआ है, और आप पहले फेक न्यूज फैलाते हो फिर रियल न्यूज बनाते हो, तो ये आपका तरीका बहुत हो चुका पुराना, मेरा भाई जो है उनकी टाइटेनियम आर्मी से मिला हुआ है और
वो बिल्कुल ठीक है, आपको ऐसे लोगों की बातों पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है जो थेनोस की बेटी हो और सबको मारना चाहती हो। मेरा मूड भी सही नहीं है लाइव, ये जो भी हो रहा है ना, जो भी विदाउट स्क्रिप्टेड लाइव हो रहा है, ये अंदर की भावनाएं निकल रही है। आपको लाइक करना लाइक करिए, नहीं करना मत करिए, पर इसकी रिपोर्ट जरूर करिए। बाय बाय।